गाइस देखो, आज जिस कंपनी के फोन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उसने जब एक अपना फोन लॉन्च किया था तो उसके फेलियर के बाद में कंपनी ने उसको दोबारा से री एडवर्टाइज किया और करोड़ों रुपए खर्च किए उसके प्रमोशन के लिए फिर से। और एक सेल में कंपनी ने उसके ऊपर तकरीबन 15,000 का डिस्काउंट रखा था, जहां पर कंपनी ने 50,000 से ड्रॉप करके उस फोन का प्राइस 35,000 कर दिया था। और उसके बाद में कंपनी का जो डेड स्टॉक था वो फिर सेल हुआ। आप गेस कर सकते हो मैं कौन से फोन के बारे में बात कर रहा हूं? अगर आपने सही गेस किया है तो इट्स अबाउट सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। जी हाँ, अब यहां पर सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के फेलियर के बाद में सक्सेस के बाद में एज पर सम सैमसंग यूजर्स, जिनको सिर्फ सैमसंग का चश्मा पहनना है और आजू बाजू सिर्फ सैमसंग नजर आता है, और इनमें से ज्यादातर यूजर्स वो रहेंगे या तो जिन्होंने कभी सैमसंग का फोन यूज ही नहीं किया होगा, या तो ये परचेस कर लेंगे। अब परचेस करने के बाद में फिर क्या बोलेंगे, 50,000 रुपए 35,000 रुपए खर्चा कर दिए, अब तो अच्छा बोलना ही है ना भाई, फिर अपने आपको तसल्ली कैसे देंगे। अब यहां पर देखो काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है गैलेक्सी S24 FE से रिलेटेड, जहां पर इसका हार्डवेयर, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, सारी चीजों के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। एंड में गाइस मैं आपको लॉन्च डिटेल भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले गाइस देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी S23 FE तो कंपनी का जबरदस्त फेल हो गया था, क्योंकि उसमें काफी सारी कमियां थी और मैंने जब फोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बोल दिया था। लेकिन उसके बाद में भी यार कुछ यूजर्स ऐसे हैं ना जिनको समझ में नहीं आता कि कंपनी ने इसको री एडवर्टाइज क्यों किया, क्या वजह पड़ गई कंपनी ने इसमें 15,000 तक का डिस्काउंट दे दिया, मतलब फिर भी समझ में नहीं आता, तो फिर कोई बात नहीं, चलो S24 FE के बारे में बात करते हैं। और यहां पर सबसे पहले गाइस मैं बात करने वाला हूं खुद सैमसंग की तरफ से ही किसी ना किसी तरीके से इसका एक लीक हुआ है। अब यहां पर इसको हम ऑफिशियल कंफर्मेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सैमसंग का जो सपोर्ट पेज है गाइस, उसके ऊपर एक मॉडल नंबर आउट हुआ है जो कि SM712 समथिंग है। अब ये जो ना दोस्तों काफी हद तक रिलेट करता है गैलेक्सी S23 FE से, क्योंकि गाइस गैलेक्सी S23 FE का भी जो मॉडल नंबर था वो 711 समथिंग था और इसका मॉडल नंबर 712 समथिंग है। तो यहां पर ये काफी बड़ा हिंट हमें देखने के लिए मिलता है कि कंपनी गैलेक्सी S24 FE जो ना दोस्तों वो लॉन्च करने वाली। साथ में गाइस इसका एक कोड नेम भी आया है अकॉर्डिंग टू द लीक्स। अभी जो इसका कोड नेम चल रहा है वो एक्चुअली में R12 चल रहा है समथिंग, और इस हिसाब से अगर हम इसको रिलेट करेंगे दूसरे FE डिवाइसेस से, खास तौर से जो फैन एडिशन की डिवाइसेस हैं, तो वहां पर भी जो ना दोस्तों कोड नेम कभी R10 आता है, कभी R11 आता है, तो कभी R9 आता है। तो इस हिसाब से गाइस S24 FE का कोड नेम R12 चल रहा है, तो काफी हद तक गाइस हम रिलेट कर सकते हैं कि 24 FE कंपनी लॉन्च कर सकती है। अब यहां पर देखो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। अब तक जो है ना दोस्तों से मिक्स लीक्स निकलती हुई आ रही है कि भाई इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने के लिए मिल सकता है, और साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक्सिनस 2400 का प्रोसेसर देखने के लिए मिले। देखो कुछ लीक्स, कुछ सोर्सेस से इंफॉर्मेशन तो ये है, लेकिन गाइस देखो मैं पर्सनली इसमें राय दूंगा तो इसमें आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि वो जो प्रोसेसर है वो कंपनी अपनी एस सीरीज के लिए लगती है, जो कि मेन सीरीज है, फैन एडिशन के लिए नहीं रखती है। और गैलेक्सी S23 FE में भी ये सबसे बड़ी वजह थी फेलियर होने की, कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर रखा था वो स्नैपड्रैगन का नहीं रखा था। अगर एक जनरेशन पुराना भी प्रोसेसर कंपनी रख देती उसमें तो वो शायद इतना फेलियर नहीं होता और कंपनी को 15,000 का डिस्काउंट देना नहीं पड़ता फोन के ऊपर। तो यहां पर गाइस S24 FE में एक्सपेक्ट कर लो आपके भाई एक्सिनस का प्रोसेसर ही हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी बेकार प्रोसेसर है। साथ ही में अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही में ये अराउंड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आ सकता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब यहां पर देखो डिस्प्ले के बारे में तो मैं बोल दूं, भले सैमसंग का मिड रेंज फोन हो या फ्लैगशिप फोन हो, कोई से भी फोन हो, सैमसंग के डिस्प्ले जो ना दोस्तों वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे S23 FE का डिस्प्ले इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े बेजल्स थे कि एकदम भद्दे एकदम वाहियात बेजल्स लग रहे थे। 50,000 वो फोन वो टाइम पे लॉन्च हुआ था और 50,000 में यार मतलब ऐसे बेजल्स एकदम बेकार लग रहे थे। मेरे हिसाब से तो एक यूजर 40,000 का कोई OnePlus का फोन खरीद ले जिसमें उसको इससे ज्यादा बेटर डिस्प्ले देखने के लिए मिल पाएगा और परफॉर्मेंस भी उसका काफी जबरदस्त होगा। अब ये मत बोलना कि भाई OnePlus कुछ भी कर ले वो Samsung के पास में भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं S सीरीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं फैन एडिशन से कंपेयर कर रहा हूं OnePlus को। हां लेकिन भाई कोई अगर ऐसा यूजर है, खास तौर से ऐसा यूजर जिसने Samsung का ही चश्मा पहन के रखा है, जो Samsung का ब्लाइंड बिलीवर है, तो भाई कुछ नहीं बोल सकते फिर। अब बात आ जाती है गाइस इसके बैटरी परफॉर्मेंस और स्टोरेज को लेके, तो देखो इसमें 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल सकती है और स्टोरेज इसका अपना वही देखने के लिए मिलेगा जो हमें S23 FE में मिला था। इसमें हमें 12 GB RAM, 256 GB और 512 GB तक का हमें स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। फाइनली गाइस अब बात कर लेते हैं हम कैमरा के बारे में, तो यहां पर देखो कैमरा से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन उससे भाई समझ में आ जाता है कि भाई किस तरीके का कैमरा इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहली चीज तो यह कि इसमें वही 50 MP का कैमरा हमें देखने के लिए मिलेगा और ये वही सेम सेंसर है जो
में S23 FE में मिला है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर कंपनी आइसोसेल GN3 सेंसर ही प्रोवाइड करेगी और ये वही सेम सेंसर है जो हमें S23 FE में मिला है। तो गाइज यहाँ पर कैमरा के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा खतरनाक चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज देखो, अगर हम इन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जाएंगे जो कि अभी तक लीक्स के हिसाब से निकलते हुए आई है, तो भाई 23 FE और 24 FE में ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, फोन को लॉन्च होने में थोड़ा ज्यादा टाइम है तो उसके लिए और ज्यादा वेट करना है। अभी तक तो ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट्स पे नहीं जा सकते। तो देखो, अगर मुझे सैमसंग कंपनी ही बिल्कुल पसंद नहीं होती तो मैं बोलता था कि भाई 24 FE जो एकदम घटिया फोन है, लेकिन भाई जब तक मैं स्पेसिफिकेशन देखूंगा तब तक ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो इसके लिए मैं अगर बोलता हूँ कि भाई ये फोन सही है या ये फोन सही नहीं है, तो मैं उसके स्पेक्स और फीचर्स को लेकर बोलता हूँ, कंपनी प्रेफरेंस को लेकर नहीं बोलता हूँ। अब फाइनली गाइस, अगर हम लॉन्च के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, जो कंपनी फैन एडिशंस लॉन्च करती है वो हमेशा एस सीरीज के बाद में लॉन्च करती है और ऑलमोस्ट काफी टाइम के बाद में लॉन्च करती है। 24 FE से रिलेटेड भी यही इन्फॉर्मेशन निकलती आ रही है कि कंपनी अक्टूबर के मंथ में जो ना दोस्तों इसका लॉन्च कर सकती है, जो कि एक दो महीने ही बचे हैं खाली। लेकिन यहाँ पर अगर अक्टूबर में लॉन्च नहीं होता है तो फिर उसके बाद में एक स्पेकुलेशन है कि दिसंबर के मंथ में लॉन्च होगा। तो यहाँ पर 24 FE का लॉन्च हमें गाइस दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर 2025 में कंपनी को S25 सीरीज लॉन्च करनी है। वैसे गाइस यहीं तक था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे वीडियो जरूर से बताना। कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। एंड बी अ जेन्युइन टेक यूजर, डोंट बी अ बायस्ड सैमसंग यूजर। अगर कंपनी अच्छा प्रोडक्ट भी बनाती है तो कंपनी खराब प्रोडक्ट भी बनाती है। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।